तो पहले दिन से इस बात का पक्ष कर रहा हूँ, कोई भी समस्या का निजात तो बातचीत के जरिए ही बातचीत के दोनों तरफ से अगर कोई अपना काम करे तभी बात। अब किसान जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत हुए उन इश्यूज के बारे में बार बार हर चर्चा के बाद डिटेल सारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कंप्लेंट्स के जरिए अखबारों के जरिए सारी प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में खड़े होकर उसके बाद संतुष्टि नहीं होती है का समाधान बात तो सरकार ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने सदन कहा है अपने दोनों हाउस में जो तो ऑब्जेक्शन है उनका हम समाधान करने के लिए तैयार है, इसके लिए जाएँ बैठ कर बात करके समाधान निकले लोगों को उन समस्याओं से। मैंने बताया ना कि किसी बात के लिए आप बाजी धो करके बैठ जाओ तो उससे समाधान नहीं हुआ करता। समाधान तो तब होते हैं जब थोड़ा बहुत झुकाव आपकी तरफ से हो, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से, तभी हल निकलते हैं बातचीत के जरिए। अच्छा, पिछले दिनों आपके छोटे भाई अभय सिंह चौटाला ने अन्नावा सीट से इस्तीफा दिया, उनका चौधरी देवीलाल के वंशज हैं तो वो भी इस्तीफा दें किसानों के समर्थन में। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है मुझे ये बता दो, और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाए। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया, या 5 राज्यसभा के सांसद जो है वो रिजाइन करे। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने तो कल भी पंचकूला में कहा था कि एक पल भी नहीं लगाऊंगा, पर वो लोग मुझे ये तो बताएं उस मुद्दे को भी सुलझा ले, वो तो हरियाणा की जीवन रेखा है। एक दूसरा चैलेंज उन्होंने दिया है कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके सामने में अन्नावा सीट से चुनाव लड़के देख ले। वो हमारे परिवार का सदस्य खुद नहीं है क्या? वही लड़के देख लेंगे, पता लग जाएगा।